बड़ी खबर है, 26 जुलाई को किसान एक बार फिर से हुंकार भरेंगे। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ये हुंकार भरी जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ले जाने की तैयारी है किसानों की। सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद जिलों से किसान आए। 26 जुलाई को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। कई जिलों से ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचेंगे गाजीपुर बॉर्डर। सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद जिलों से किसान कूच करेंगे अपने ट्रैक्टर्स के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर। 7 महीने पूरे होने की अवधि पर 26 जुलाई के दिन ये प्रदर्शन करने की तैयारी किसानों की। और ज्यादा जानकारी देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हमारे सहयोगी शक्ति सिंह, जो इस आंदोलन की शुरुआत से लगातार आपको रिपोर्ट करते रहे हैं, खासकर गाजीपुर बॉर्डर की गतिविधियों के बारे में आपको विस्तार से बताते रहे हैं। आज फिर हमारे साथ हैं। शक्ति, क्या होगा 26 जुलाई? देखिए, बिल्कुल कल किसानों के पूरे 7 माह होने वाले हैं और इस उपलक्ष्य में जितने भी राज्यपाल हैं उन सबको ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं किसानों ने एक बार फिर हुंकार भर दी है और ट्रैक्टर हजारों की तादाद में यहां ट्रैक्टर पहुंचने का अनुमान है और बताया जा रहा है कि सहारनपुर से ट्रैक्टर चल रही है, मेरठ से ट्रैक्टर चल रही है और गाजियाबाद जिले के ट्रैक्टर एक बार में 3 जिले के ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचेंगे और जिनकी जो संख्या है हर जिले से 1000 की संख्या रखी गई है। त्याग जी, ये बताइए कि कितने ट्रैक्टर यहाँ पहुंचने का अनुमान है और किस तरह का प्रोग्राम रहने वाला है? आज यहाँ 1000 से ज्यादा तादाद में ट्रैक्टर हैं, लगभग 1200 के करीब ट्रैक्टर हैं, 1200 से कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये 3 जिलों के ट्रैक्टर हैं, बस केवल मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ के। तो ये क्रम वाइज मनाया गया है जिलों से, 3-3 जिलों के, 2-2 जिलों के जो है ट्रैक्टर बुलवाए जाएंगे। ये एक सांकेतिक मार्च है। चेयरमैन साहब, आप बताइए, लगातार शुरू से मैं आपको पहले दिन से यहाँ देख रहा हूँ, अब आगे रणनीति क्या रहेगी, क्या रहेगा किसानों का? इतने सारे ट्रैक्टर आ रहे हैं, उन ट्रैक्टरों का आखिर मकसद क्या है? मकसद यही है, सरकार को ये दिखा देंगे, सरकार ये कह रहे हैं अब किसान रहे नहीं, किसान भीड़ कम है, फुलाना आ गए, किसान तो पूरी भीड़ है, हर महीने 26 तारीख हर महीने आवे, हर 26 तारीख में किसान पूरे तलबल तक मौजूद रहेगा और यही काफिले जिला वाइज तैयार होते रहेंगे। और लगातार किसान हिम्मत नहीं हारने वाला, किसानों का साफ तौर पे कहना है। आप बताइए कि क्या रहने वाला है, आप कहाँ से आए पहले तो ये बताइए। बिजनौर। बिजनौर से हैं, काफी दिन से, काफी समय से हैं, आखिर कोई निष्कर्ष नहीं निकला, निष्कर्ष कैसे निकलेगा? जैसे चल रहा निष्कर्ष ऐसे चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? जैसे चल रहा प्रोग्राम बना रखा है। क्या जी, ये बताइए कि ट्रैक्टर काफी सारे आ रहे हैं, एक बार फिर काफी भीड़ पड़ेगी यहाँ पर, तो क्या उन ट्रैक्टर को लेके एक बार फिर दिल्ली कूच करने की? नहीं, दिल्ली कूच का भी कोई ज्यादा नहीं है अभी तक, केवल जो है यहाँ मतलब क्षेत्र में जो किसान, आपने देखा चैनलों ने भी दिखाया कि किसान चले गए, आंदोलन धीमा पड़ गया, लेकिन एक किसान है, अन्नदाता है ना, तो आंदोलन धीमा पड़ा था ना कहीं किसान चले गए थे। कोरोना की वजह से हम लोगों ने देश के हित में कदम उठाया, हमने सब लोगों से कहा कि आप चले जाए, घर लौट जाए, और अब कोरोना समाप्ति की तरफ है, तो अब ये किसान फिर जागृति यात्रा लेकर बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं। ठीक है, ये जागृति यात्रा है, जिले वाइज निकलेंगे, प्रदर्शन की तैयारी है, बहुत साफ है। ठीक है, लगातार किसानों का साफ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, किसानों ने साफ कहा, हमने स्पष्ट सुना उनकी बात को। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर चौहान मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, मेरठ में किसानों की क्या तैयारी है, कितने ट्रैक्टर्स लेके कितनी तादाद में किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं कल? किसान पहुंचना शुरू हो गए थे, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर इन 2 जिलों के किसान यहां पे अभी तक सिवाय टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। देर रात में ही यहां पे किसानों का जत्था यहां पे पहुंच गया था और टोल जो यहां पर है, यहां पर टोल फ्री करा दिया गया था और लगातार अभी भी इकट्ठे हो रहे हैं किसान, और किसानों का कहना है कि 10 बजे इकट्ठे होकर यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि वहां से किसान रवाना होंगे मेरठ से बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेके। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, शक्ति और आप सुधीर, गाजीपुर बॉर्डर और मेरठ से रिपोर्ट करने के लिए। और अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। आज यूपी के कई इलाकों में आंधी और बारिश आ सकती है, ऐसी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई। आज यूपी के 10 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन 10 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, साथ ही 12 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है, 10 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश रेड अलर्ट, 12 जिलों में येलो अलर्ट। अयोध्या चलते हैं, ऋषि गुप्ता हमारे सहयोगी वहां से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अयोध्या में फिलहाल कैसा मौसम है और मौसम विभाग की क्या भविष्यवाणी है आज के लिए वहां पर? ऋषि,
जी आपको बता दें, अयोध्या में सुबह से ही मौसम बादल पूरा छाया हुआ है, सुबह से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और यहाँ के प्रशासन ने येलो अलर्ट कर रखा है क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश आने की आशंका, इसलिए प्रशासन ने पूरी तरह अलर्ट कर रखा है और सरयू नदी के जो किनारे लोगों के बसे हुए हैं लोग, उनको भी अलर्ट कर दिया गया क्योंकि सरयू का जो जलस्तर है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उनको भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि येलो अलर्ट है अयोध्या के लिए और रिमझिम बरसात वहाँ पर हो रही है। ऋषि, जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर नियमित रूप से दर्शन करने आते हैं, खासकर जो बाहर से आते हैं, क्या उनकी संख्या पर या उनके उत्साह पर कोई असर पड़ा है इस बदले हुए मौसम का? जी, मौसम का मिजाज बदला तो साधु संत भी चाहते हैं दर्शन करना क्योंकि सुबह 4 बजे से ही हनुमान गढ़ी पे भीड़ होना शुरुआत हो जाती है और मंगलवार के दिन तो खास करके भीड़ होती है और श्रद्धालुओं में तो काफ़ी उत्साह होता है हनुमान गढ़ी हो फिर राम जन्मभूमि दर्शन हो। मौसम का मिजाज बदला तो साधु संत भी चाहते हैं कि जब बढ़ चढ़ करके इस साल दर्शन करें हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषि। इस बारिश में भी फुहारों में भी साधु संत और श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं हनुमान गढ़ी में जाकर।